दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण अपने चैनल रेलवे जे ट्रैक मशीन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं एक अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाने जा रहा हूं, जिनका नाम है सोहन खान। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर, आप एक जो ट्रैक मशीन में ग्रुप डी के वर्कर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनके बारे में एक आप वीडियो बनाइए, उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो बनाइए, उनके सैलरी के बारे में वीडियो बनाइए, उनका काम क्या होता है इसके बारे में वीडियो बनाइए। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहें। दोस्तों ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में जो स्टाफ होते हैं वो चार प्रकार के स्टाफ होते हैं। एक जो सबसे सीनियर होता है दोस्तों, वो होता है एसएससी। इसके बाद कौन होता है? जेई, जो कि हम लोग हैं। इसके बाद होता है टेक्नीशियन। इसके बाद होता है हेल्पर, जो कि ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। तो बात करें ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में हेल्पर का काम क्या होता है, ग्रुप डी के एम्प्लॉय का काम क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हेल्पर का काम होता है वो हेल्प करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्प किसको करते हैं? वो टेक्नीशियन को हेल्प करते हैं। अब टेक्नीशियन क्या करता है? तो टेक्नीशियन दोस्तों, मशीन जब भी ख़राब होता है, तो मशीन को वो ठीक करने का काम करता है, मशीन का मेंटेनेंस का काम करता है, मशीन के सर्विसिंग का काम करता है टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जब कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता है हेल्पिंग में, तो वहाँ जो हेल्पर होते हैं, ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं, उनको हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेनर लाना है, तो उस बोलेगा टेक्नीशियन कि हाँ जाओ स्पेनर लेके आओ, तो आपको स्पेनर जाके लेके आना रहेगा। बोलेगा जाओ ग्रीस लेके आओ, तो आपको ग्रीस लेके आना रहेगा। फिर बोलेगा कि मैं इधर एक नट खोलता हूँ, तुम इधर पकड़ो, तो ऐसे पकड़ना रहेगा। तो ग्रुप डी का एम्प्लॉय का मेन काम होता है दोस्तों हेल्प करना, ज़्यादा कोई भारी काम नहीं होता है। टेक्नीशियन काम करते हैं, वही टेक्नीशियन के साथ उनको रहना होता है और उनको हेल्प करना होता है। और काम की दोस्तों की और काम क्या होता है हेल्पर का? तो दोस्तों हेल्पर का काम होता है मशीन की साफ सफाई करना। मशीन की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी होती है वो हेल्पर के हाथ में होती है। मशीन को पोंछना, ठीक है, सारी जिम्मेदारी मशीन की साफ सफाई की वो ट्रैक मशीन का जो हेल्पर होता है उनकी होता है दोस्तों। दोस्तों की ट्रैक मशीन के जो हेल्पर रहते हैं उनकी ड्यूटी कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों, जो ट्रैक मशीन का जो हेल्पर होता है उनकी जो ड्यूटी होती है, वर्कशॉप में भी लग सकती है जहाँ पर ट्रैक मशीन का वर्कशॉप होगा। फिर आपका जहाँ जहाँ मशीन जाती है वहाँ वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि ट्रैक मशीन जो डिपार्टमेंट होता है उसका काम जो होता है वो डिविजनल होता है। डिविजनल मतलब पूरे डिविज़न में घूम घूम के उसको काम करना होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको जहाँ मशीन जाएगा वहाँ पर आपको साथ साथ जाना पड़ेगा। बात ये रही दोस्तों कि अब हम साथ में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? तो देखिए दोस्तों, आपके साथ एसएससी रहेंगे, जेई रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे और आप ग्रुप डी के हेल्पर रहेंगे। ठीक है, तो जब आप सब लोग रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक फैमिली की तरह हो जाता है आदमी। कोई किसी से मतलब सबको सीनियर है तो इज्जत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी से उतना डर भर नहीं है कि सर है, ये है, वो है। एक फैमिली की तरह हो जाता है आदमी, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यह है कि लोग रहते कहाँ हैं? तो दोस्तों रहने के लिए रेलवे आपको फ्री में एक एसी कोच देती है। एसी कोच आपको देती है जो कि हमेशा आपके साथ मशीन के साथ अटैच रहेगा। जहाँ जहाँ आप मशीन लेके जाते हैं वहाँ वहाँ वो साथ में जाएगा। कोई स्टेशन पर आप उसको खड़े कर देते हैं और स्टेशन पे जहाँ पे काम हो रहा है उसके नज़दीक में जो भी स्टेशन होता है उस स्टेशन पर वो कोच खड़ी रहती है और वहीं पे लोग उसी के अंदर सोते हैं, रेस्ट करते हैं दोस्तों, जब तक मशीन वहाँ पे काम करती है तब तक। बिल्कुल अच्छा होता है दोस्तों, जो एसी कोच होता है बिल्कुल अच्छा होता है। उसमें सारा व्यवस्था होता है, एसी का, कूलर का, पंखा का। उसमें क्या होता है कि बेड भी लगे होते हैं, किचन होते हैं, किचन में फ्रिज होता है, सारा चीज़ होता है उसमें, सारा व्यवस्था होता है उसमें। आपको जो आपको घर में सुविधा मिल रहा है, घर में अभी तो घर में भी उतना सुविधा नहीं है जितना उसमें होता है, पूरा सुविधा होता है दोस्तों उसमें। आपको रहने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस दिक्कत एक है दोस्तों कि आप फैमिली को साथ में लेकर नहीं रह सकते हैं इस जॉब में। लेकिन फ़ायदा भी ये है कि आप महीने में 21 दिन की ड्यूटी रहेगा,
बाकी दिन आप कहीं भी जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हर महीने आप घर जा सकते हैं, अपने फैमिली से मिल सकते हैं। तो मतलब आप फैमिली के साथ तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फैमिली के पास आप हर महीने में घर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इस जॉब में क्या है कि डिविजनल वर्क है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपका जो वर्क रहेगा हेड क्वार्टर से हमेशा दूर रहेगी, हमेशा दूर रहेगी, मतलब 99% चांस है कि आपका काम दूर ही रहेगा, आपका रेंज से बाहर रहेगा, मतलब पूरे डिवीज़न में घूम घूम के काम करना रहेगा। तो यहाँ पर सैलरी क्या होता है दोस्तों, जो ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं उनको 500 रुपये का पर डे का टीए मिलता है, एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा 500 रुपये पर डे का टीए मिलता है। टेक्नीशियन को भी 500 पर डे का टीए मिलता है, जेई को 800 का पर डे का टीए मिलता है, और जो एसएससी होता है उनको भी 800 पर डे का टीए मिलता है। यहाँ पर आपको सैलरी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है सैलरी आपकी। तो दोस्तों बात करें अदर जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं, अदर जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं जो अदर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनकी सैलरी अभी अप्रोक्स जो है ग्रोथ सैलरी की बात करें तो 30 से 32 हज़ार उनकी सैलरी होती है। 30 से 32 हज़ार जो अभी नए नए ज्वाइन करने वाले हैं ग्रुप डी के एम्प्लॉय, उनकी सैलरी 30 से 32 हज़ार रहेगी दोस्तों। लेकिन आप जब ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में आते हैं दोस्तों, तो आपकी सैलरी जो है उनसे क्या है कि आप जोड़ लीजिए 21 दिन का ड्यूटी 500 के हिसाब से कितना हुआ, 10,500 रुपये आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। यानी कि आपकी जो सैलरी है लगभग मान लीजिए कि ग्रोथ सैलरी आपका 31,000 है, तो 31,000 में जोड़ लीजिए कितना, 10,000 जोड़ेंगे तो 41,000 आएगा, 41,000 में और 500 जोड़ दीजिए तो 41,500। यानी कि दोस्तों आपकी सैलरी ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में हेल्पर के लिए कितना, लगभग 41 से 42 हज़ार रुपये ग्रोथ सैलरी आपको बनने वाली है दोस्तों। इसमें यही एक फ़ायदा होता है कि सैलरी ज़्यादा होता है, ठीक है। शुरू शुरू जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय आते हैं उनको क्या होता है कि बहुत छोटे घर से आते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर जो आप रियली में ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आपके लिए ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट जो है हेल्पर वो बहुत अच्छा है बाकियों से, और आपको हर महीने घर जाने का वो मिल जाता है, इस जॉब में घर जाने का टाइम मिल जाता है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 21 दिन का ड्यूटी होता है लगातार, इसके बाद आप जहाँ भी जाइए, घर जाइए, घूमने जाइए, इस जॉब में कोई आपको बाधा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको कुछ डाउट रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और दोस्तों आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमें बताएं, हमें बोलें कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।